दशमलव संख्याओं का भाग इस वीडियो में दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से भाग दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग दशमलव भागफल वाले इबारती प्रश्न टीचर्स दस सौ और हजार से दशमलव संख्याओं के भाग का अच्छी तरह से अभ्यास करवा लेने के बाद ही दशमलव संख्याओं का साधारण भाग सिखाएं। दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से भाग चलिए एक उदाहरण लेते हैं अठारह दशमलव छ पांच चार भाग छ यहाँ अठारह दशमलव छ पाँच चार एक दशमलव संख्या है और एक पूर्ण संख्या है तो देखते हैं दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से कैसे भाग करना है सबसे पहले हम अठारह दशमलव छ पाँच चार भाग छे में भाज्य और भाजक को अपने अपने स्थान पर लिख लेंगे अब थोड़ी देर के लिए हम यह मान लेते हैं कि दी गई दशमलव संख्या में दशमलव है ही नहीं यानी अब हमारा भाज्य हो गया अठारह हजार छ 6। चौवन और भाजक तो पूर्ण संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याओं का भाग तो हमें आता है तो पहला चरण साधारण भाग करना तो अठारह हजार छ सौ चौवन को अब हम छः से भाग करेंगे यह हो गया छिया अठारह। हमने भागफल में लिखा तीन अठारह में से अठारह को घटाया तो मिला ज़ीरो फिर हम को नीचे उतारेंगे छम छः भाग भागफल में लिखा एक और छः में से घटाया तो मिला ज़ीरो अब पांच को नीचे उतारा पाँच तो छः से भाग हो नहीं सकता तो हम ज़ीरो से भाग करेंगे और भागफल में लिख देंगे ज़ीरो अब पाँच माइनस ज़ीरो हो गया पाँच और फिर हम चार को नीचे उतारेंगे तो हमें यहाँ संख्या मिलेगी चौवन तो छः नम चौवन हम चौवन में से चौवन को घटाएंगे, मिलेगा जीरो यानी हमारा सवाल खत्म अरे नहीं नहीं अभी कहाँ खत्म यह तो हमें अठारह हजार सौ चौवन भाग 6 का उत्तर तीन हजार एक सौ नौ मिला है परंतु हमारा सवाल था अठारह दशमलव छ चार भाग 6। हमारे सवाल में दशमलव बिंदु किसमें है भाज्य में है ना तो दूसरा चरण है भाज में दशमलव के बाद के अंक गिनना एक दो तीन तीन अंक है ना ठीक है आखिरी चरण है उत्तर में दाई ओर से उतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु लगाना जितने अंक भाज में हो तो यहां भी दाई तरफ से दशमलव के उतने अंक गिनते हुए जितने भाज में है हमने दशमलव बिंदु लगा देना है तो यह हमने गिन लिया एक दो तीन अंक तो अठारह दशमलव छ पाँच चार भाग छे का उत्तर हुआ तीन दशमलव एक जीरो नौ सही है अच्छा चलिए अब हम दशमलव के इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल करते हैं इसमें हम दशमलव बिंदु को ज्यो का त्यो रहने देंगे सबसे पहले हम भाज्य और भाजक को अपने अपने स्थान पर लिख लेंगे फिर भाग करना शुरू करेंगे 18 को छः से भाग किया छेतिया अठारह भागफल में लिखेंगे तीन 18 में से अठारह को घटाया तो मिला ज़ीरो अब देखिए भाज्य में दशांश के स्थान पर जाने से पहले हमारे पास दशमलव बिंदु है तो हमें भागफल में भी उसी स्थान पर दशमलव बिंदु लगा देना होगा अब हम अपने आगे की दशमलव संख्याओं को सामान्य भाग के सवाल की तरह भाग करेंगे बस तो हमने नीचे उतार लिया 6 को छे एकम 6 मिला एक और हमने दशमलव के बाद भागफल में लिख दिया एक अब हम नीचे उतारेंगे पाँच को पाँच तो छः से भाग हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे हम जीरो से भाग करेंगे तो यह लिख दिया हमने भागफल में जीरो पाँच माइनस जीरो हुआ पाँच ठीक है और फिर हम उतार लेंगे चार को अब हमें जो संख्या मिली है वो है चौवन तो छ नम चौवन होता है बस अब हम चौवन में से चौवन घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो अर्थात अठारह दशमलव छ पाँच चार भाग छ का उत्तर हुआ तीन दशमलव एक जीरो नौ ठीक है ना पिछली विधि से भी यही उत्तर आया था एक बार चेक कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग अच्छा अब यह तो समझ आ गया कि एक दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से कैसे भाग करते हैं पर यदि हमें एक ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें भाज्य और भाजक दोनों संख्याएं दशमलव हो उसे कैसे करेंगे जैसे कि छ दशमलव चार पांच भाग एक दशमलव पांच तो हम इसे कैसे हल करेंगे ये भी बहुत आसान है हम सबसे पहले अपना सवाल सरल करने के लिए भाजक को पूर्ण संख्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दशमलव के बाद के अंक अंक गिनेंगे। अगर एक है, तो दस से गुणा करें दो अंक हैं, तो सौ से और तीन अंक हैं, तो हजार से गुणा करें बस ये याद रहे कि संख्याओं का मान न बदले इसके लिए हम भाजक और भाज्य दोनों को ही एक ही संख्या यानी दस सौ या हजार से गुणा करेंगे यहां एक दशमलव पांच में दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए हम इसे दस से गुणा करके पूर्ण संख्या बना लेंगे दस से गुणा किया तो एक दशमलव पांच बन गया पंद्रह जो एक पूर्ण संख्या है तो अब हमें भाज्य 6.45 दशमलव चार पाँच को भी दस से गुणा करना होगा ऐसा करने से दशमलव बिंदु एक स्थान आगे चला जाएगा तो हमारा भाज्य हो जाएगा चौसठ दशमलव अच्छा तो अब हमारा सवाल हो गया चौसठ दशमलव भाग पंद्रह अरे वाह अब ये तो दशमलव संख्या से पूर्ण संख्या वाला सवाल बन गया है ना इसे आप पहले सिखाई गई दोनों विधियों में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ दशमलव बिंदु है ही नहीं और साधारण भाग की तरह हल करते चलते हैं तो 645 को 15 से भाग करते हैं 15 चौके साठ भागफल में लिखेंगे चार और चौंसठ माइनस साठ हो गया चार फिर हमने पाँच को नीचे उतारा तो हो गया पैतालीस पंद्रह तो ये पैंतालीस हुआ ना तो हमने भागफल में लिखा तीन और पैंतालीस माइनस पैंतालीस हो गया जीरो तो 645 भाग 15 बराबर तैतालीस ये तो हमें उत्तर मिला 645 भाग 15 का परंतु हमारा सवाल क्या बन गया था हमारा सवाल बन गया था 64.5 दशमलव पाँच भाग पंद्रह यानी हमें उत्तर में दशमलव अपनी जगह पर वापस लाना होगा ना यहाँ भी दाई तरफ से दशमलव के उतने अंक गिनते हुए जितने भाज्य में हैं हमें दशमलव बिंदु लगा देना है तो चौसठ दशमलव पांच भाग पंद्रह बराबर चार दशमलव तीन समझ में आया पर हमारा प्रश्न तो छह दशमलव चार पाँच भाग एक दशमलव पांच था जिसे हमने सरल करने के लिए 10 से गुणा करके चौसठ भाग 15 बना दिया था क्योंकि भाजक और भाज्य दोनों ही 10 गुना कर दिए गए तो उत्तर का मान नहीं बदलेगा यानी 6.45 भाग 1.5 का उत्तर भी 4.3 ही आएगा दशमलव भागफल वाले इबारती प्रश्न अच्छा चलो अब एक और तरह का प्रश्न लेते हैं प्रश्न है अगर 16 किलो शक्कर को पांच डिब्बों में बराबर बराबर भरना हो तो हर डिब्बे में कितनी शक्कर आ जाएगी शक्कर की कुल मात्रा 16 किलो डिब्बों की संख्या पांच तो प्रत्येक डिब्बे में शक्कर आएगी सोलह भाग 5 इसमें भाजक और भाज्य दोनों पूर्ण संख्याएं हैं पर भाज्य भाजक से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता यानी उत्तर दशमलव में आएगा सोलह को 5 से भाग करते हैं 5 दिया पंद्रह तो भागफल में लिखा तीन और सोलह माइनस पंद्रह बराबर एक शेषफल मिला एक अब एक तो पाँच से भाग हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे बच्चों हम भाज में दशमलव लगाकर जीरो लिख लेंगे याद है ना पूर्ण संख्या की दाई ओर दशमलव लगाकर कितने भी जीरो लगा सकते हैं इससे संख्या का मान नहीं बदलता है सही उत्तर लाने के लिए अक्सर भाग के सवालों में हमें ऐसा करना पड़ता है हमने भाज में दशमलव बिंदु लगाया तो भागफल में भी लगाना होगा ये लगा दिया हमने भागफल में दशमलव बिंदु अब जीरो को नीचे उतारते हैं तो ये बन गया दस तो पांच दुनी दस और ये हमने दशमलव के बाद भागफल में लिख दिया दो दस माइनस दस बराबर जीरो शेषफल जीरो यानी सोलह भाग 5 बराबर तीन दशमलव दो अर्थात हर डब्बे में तीन दशमलव दो किलो चीनी आएगी टीचर्स इस प्रकार के सवालों को वर्कबुक में अच्छी तरह अभ्यास करवाने से यह बच्चों को सरल लगने लगती है बच्चों अब मैं जाती हूँ कल फिर मिलने आती हूँ इंग्लिश में अब होंगी बातें मैथ सीखेंगे हंसते गाते आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो गतिविधियाँ क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।